नरवाना के गांव राजगढ़ धोबी गांव की गलियों में पसरा ये सन्नाटा और भारी पुलिस की मौजूदगी साफ बयां कर रही है कि गांव में कोई बड़ी वारदात हुई है। दरअसल गांव में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। गांव के एक युवक और युवती के बीच प्रेम संबंध थे जो लड़की के परिजनों को नागवार गुजरे। बताया जा रहा है कि शनिवार की देर रात युवक युवती के घर में दाखिल हो गया, जिसकी भनक लड़की के पिता को लग गई, जिसके बाद लड़की के पिता ने अपने भाइयों के साथ मिलकर लड़के की इतनी पिटाई कर दी कि बाद में उसकी मौत हो गई। कि ये लड़का रात को लड़की के घर में आ गया था, तो जब इसके पिताजी को पता चला तो इसने लड़के की अपने भाइयों को बुला लिया और उसके साथ मिलकर उनकी पिटाई करी, और फिर बाद में लड़के वालों को बुला के लड़का तब तक शायद वो जीवित था तो वो ले गए थे, फिर उसके बाद उसकी वहाँ पे डेथ हो गई और फिर इनको पता चला तो बाद में इन्होंने स्ट्रैंगुलेशन करके लड़की के फादर ने लड़की को भी मार दिया। वही लड़के की पिटाई से मौत के बाद लड़की के परिजनों ने लड़की की भी हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही एसएसपी ने एफएसएल की टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया और मौके से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए और पूरे सबूत जुटाए। मारपीट में जो हथियार वगैरह इस्तेमाल हुए थे वो हथियारों को हमने रिकवर करने की कोशिश की और मौके से खून के जो धब्बे थे उनको उठवाया और जो कपड़े हैं जो साक्षात बाकी मिले हैं उनको हम लोगों ने पुलिस में ले लिया। तो दोनों बताया जा रहा है कि दोनों युवक युवती एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे और यही कारण था कि दोनों के संबंधों को लेकर परिवार बेहद नाराज था। हत्या के बाद दोनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में लड़की के पिता, पिता के दोनों भाइयों और एक भतीजे समेत कुल 5 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। गुलशन चावला, टोटल न्यूज़, नरवाना।